दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन द्वारा माइनिंग ऑफिसर के डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। तो पूरा फुल डिटेल वीडियो है, हिंदी में है, तो बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग वीडियो में किस किस पॉइंट पे बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा पोस्ट और वैकेंसी, सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट, जो कि है कब हम एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना शुरू करेंगे और कब एप्लीकेशन फिल करना बंद होगा। थर्ड है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका जो उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट होगा। फोर्थ है आपका एप्लीकेशन फ़ी एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका वो। और लास्ट यानी कि फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है और सैलरी कितना होगा हमारा। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट पॉइंट यानी कि पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है पोस्ट एंड वैकेंसी, वो है ये है कि पहला पोस्ट यानी कि माइनिंग ऑफिसर है, दूसरा है असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट और थर्ड है माइनिंग इंस्पेक्टर। और इसके जो वैकेंसी निकला है वो है माइनिंग ऑफिसर के लिए 8 वैकेंसी यानी कि 8 यहाँ लिखा हुआ है वो, और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट उसके लिए 11 है, और जो माइनिंग इंस्पेक्टर है यहाँ पे उसके लिए है 35, और कुल मिला के हमारा वैकेंसी है 54 सीट पे वैकेंसी निकला है। तो अब नेक्स्ट के तरह मतलब कि आगे दूसरे पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है इम्पोर्टेंट डेट यानी कि हमारा जो इस एप्लीकेशन के लिए जो महत्वपूर्ण तिथि है वो ये है कि हम एप्लीकेशन ऑनलाइन यानी कि फॉर्म भरना शुरू करेंगे 15 फरवरी 2022 से, यानी कि 15 फरवरी 2022 से हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट होगा। और जो लास्ट डेट है हमारा वो है 16 मार्च 2022, यानी कि हमें 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। स्किप मत कीजिएगा, इसी बीच में समय निकाल के अपना आप एप्लीकेशन भर लीजिएगा। और जैसे ये आदमी यहाँ पे दौड़ रहा है उसी तरह आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसे ट्राई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। तो हम लोग पोस्ट वाइज देखेंगे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और लास्ट में जो एज लिमिट है वो देख लेंगे। तो माइनिंग ऑफिसर के लिए जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी और एमटेक इन एक्सपेरिमेंटल जियोलॉजी यानी कि अप्लाइड जियोलॉजी। जो माइनिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि वो स्नातक किए होना चाहिए जियोलॉजी में, या फिर एमटेक किया होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल जियोलॉजी या बोलते अप्लाइड जियोलॉजी में, इस दोनों से कोई एक। और जो जैसा कि माइनिंग ऑफिसर का है यहाँ पर जो हमने देखा यहाँ पे, उसी तरह सेम टू कॉपी है असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का, जिसका कि है ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी और एमटेक इन एक्सपेरिमेंटल जियोलॉजी यानी कि अप्लाइड जियोलॉजी। और जो थर्ड है हमारा माइनिंग इंस्पेक्टर का, उसके लिए है ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी यहाँ जो दिख रहा है आपको विथ साइंस एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, ये आपका है माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर बोले तो शैक्षणिक योग्यता जो होता है जॉब के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी कि जो आयु सीमा क्या है इस जॉब के लिए। कुल मिला के तीनों जो पोस्ट है माइनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट और माइनिंग इंस्पेक्टर, ये तीनों के लिए एज लिमिट सेम है। और एज लिमिट है आपका जो न्यूनतम उम्र यानी कि मिनिमम एज है वो 21 साल होना चाहिए, यानी कि कम से कम आप 21 साल पूरा होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होना चाहिए आपका, 30 साल से अधिक नहीं और 21 साल से कम नहीं। सीधा सिंपल स्पष्ट बात यही है कि 21 साल से कम नहीं और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके, ठीक। और जो पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन यानी कि पूरा डिटेल जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट की तरफ से, उसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको एप्लीकेशन पूरा आपको पढ़ के दिखा दूंगा और आपको लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके और जितना भी बारीकी चीज़ें वो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क और सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी है नेटिव ऑफ छत्तीसगढ़ SC ST OBC या EW के लिए 300 रुपये। नेटिव छत्तीसगढ़ का मतलब ये हो कि जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए SC ST OBC और EW के लिए 300 रुपया है, और जो अदर में आते हैं जनरल कैटेगरी के और दूसरे स्टेट के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए 400 रुपया एप्लीकेशन फ़ी। और अगर आप फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर देते हैं फॉर्म फिलिंग में, अगर आप चाहते हैं कि बाद में हमारा फॉर्म सुधार हो, तो उसके लिए है 100 रुपया आपको उसके फीस लगेगा सुधार के लिए। तो सिंपल बात है, जो नेटिव छत्तीसगढ़ है वो
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि हमारा जो चयन प्रक्रिया होगा, हमें कैसे सेलेक्ट किया जाएगा इस जॉब के लिए। तो उसके लिए है आपका दो, मतलब कि आपका दो तरीका से सिलेक्शन होगा। पहला है आपका रिटन एग्जाम जो कि 300 नंबर का होगा, और दूसरा है इंटरव्यू जो है 30 नंबर का। तो एग्जाम के लिए जो आपको क्वेश्चन आएगा उसके लिए एप्लीकेशन जो आया है और वो नोटिफिकेशन आया, उसमें डिटेल भी आपके नाम से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। लास्ट में दिखा दूँगा कि कहाँ पर है, जिससे कि आप लंबा, मतलब कि 15-20 पन्ना का रहता है आपका नोटिफिकेशन, तो कन्फ्यूजन होगा, इसके लिए मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक, तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हमें अप्लाई कैसे करना है और सैलरी क्या होगी। तो हमें अप्लाई करना है www.psc.cg.gov.in पे जाके हमें अप्लाई करना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अप्लाई करने के लिए 15 तारीख से शुरू होने वाला है, 15 फरवरी से। तो 15 फरवरी से पहले ये साइट नहीं खुलेगा, ये साइट तो खुलेगा लेकिन जिस लिंक से हमें अप्लाई करना है वो नहीं खुलेगा। तो आप जाके मशक्कत नहीं कीजिएगा और कमेंट नहीं कीजिएगा कि आप तुम फ्लॉप वीडियो बना दिया और मतलब कि झूठा एप्लीकेशन निकाल दिया, लिखा दिया, तो ऐसा बात नहीं है। आपको मैं दिखा दूंगा, वहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी को ही ये लिंक खुलेगा जहाँ से अप्लाई करना है। ठीक, ऐसा आपको पता होगा, मैं जनरली बता दिया आपको कॉलेज के लिए। और सेकेंड पॉइंट है सैलरी, जो हमें रोजगार मिला है, जो नौकरी मिला है, तो उससे कुछ सैलरी मिलेगा। सैलरी यानी कि वेतन, वेतन ये है हमारा माइनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए है 56,100 रुपीज़ आपका मंथली सैलरी। यहाँ पे मंथली लिखना भूल गया मैं, तो आपका मंथली सैलरी होगा यानी कि मासिक वेतन 56,100 रुपया लेवल 12। और जो माइनिंग इंस्पेक्टर है उनका सैलरी है आपको 28,700 रुपया। तो ये कुल मिला के 28,700 और प्लस 56,100 है। तो इसमें जब मैं एप्लीकेशन पढ़ रहा था, आपका नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि वेतन वृद्धि भी होता है समय समय पे, और जो महंगाई भत्ता होता है वो भी आपको दिया जाएगा इसमें। तो अब हम लोग जाके फटाफट देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है। ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है, तो मैं आपके वीडियो बना के समझा रहा हूँ, जो ओरिजिनल आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट, रिजल्ट अपडेट, एग्जाम से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिले। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट, यानी कि अब हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल, उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया उसके लिए, यहाँ देखिए खनी अधिकारी, योद्धा माइनिंग ऑफिसर, सहायक भौमिकविद, यानी कि जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट है, हमें हिंदी थोड़ा ठीक से पढ़ाने वाला है, और जो एवं खनी निरीक्षक जो है, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, माइनिंग इंस्पेक्टर, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आपका डेट था 15/2/2022 और 16/3/2022 तक आपका यहाँ पर होगा एप्लीकेशन भरने आपको। और यहाँ पे पोस्ट डिटेल दे दिया हुआ, यहाँ पे पोस्ट देख लीजिएगा आप जाके सीधा से। और यहाँ पे जो दिया हुआ है दिखाता हूँ मैं यहाँ पे नीचे करके आपको, हाँ यहाँ पे आपका वेतन दिया हुआ है किसके लिए, तो माइनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी, यहाँ का डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए, और सारा डिटेल यहाँ देख लीजिएगा। जब आप नीचे कीजिएगा तो पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ लास्ट में, जहाँ पर आपको दिया हुआ एग्जाम बारे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए आपका जो परीक्षा होगा एग्जाम रिटर्न वो 300 नंबर का होगा, और जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू 30 नंबर का है, यहाँ पे कुल मिला के 330 नंबर का हुआ। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दो भाग में बटा है, यानी कि वो दो भाग नहीं, जो रिटर्न एग्जाम वो दो भाग में है। तो पहला सामान्य विज्ञान, दूसरा भू विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको 50% यानी कि 50% होंगे 100 नंबर के, और जो भू विज्ञान है उनमें 100% होंगे 200 नंबर के। तो कुल मिला के यही डिटेल है आपका, तो आप जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए पूरा, आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से उसको पूरा पढ़ लीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।